Allah, Rabbul Alameen. Oof. कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हैं? तुम जाके सो जाओ ना। तुम्हारा सर तो नहीं दुख रहा? नहीं भाई नहीं। जाओ सो जाओ ना, जाओ। अल्लाह। मेरे अल्लाह, क्या बनेगा? अल्लाह, दानी, क्या बात है? क्या नींद नहीं आ रही? नींद आ रही होती तो मैं सुबह के 2:30 बजे खुदा को याद कर रहा होता। क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें कुछ पता नहीं? बेडरूम का टेम्परेचर 12 डिग्रीज है। जुलाई की 23 है, बाहर हीट वेव चल रही है और मुझे यूं लग रहा है कि मैं वहां बेडरूम में नहीं लेटा हूं, मैं कहीं कुतुब शुमाली पहुंच गया हूं। तो मैं ऐसा करती हूं, एसी बंद कर देती हूं। मैं तो फिर सांस किस तरह लूंगा? बाहर 89 डिग्रीज, अंदर 12 डिग्रीज। मेरी तो बाहर और अंदर दोनों तरफ से मौत है। दानी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं 1 घंटे के वास्ते एसी बंद कर देती हूँ। जब गर्मी लगेगी फिर दोबारा चला लेंगे एसी। हर घंटे बाद? यानी एसी खोलने और बंद करने के दरमियान सिर्फ 8 मिनट की नींद नसीब होगी। दानी, मैं उठ जाया करूंगी, मैं उसको खोल दिया करूंगी, मैं बंद कर दिया करूंगी, बस। मानो मैंने तुमको कितनी मर्तबा कहा है कि तुम उस कंपनी को फोन करके बताओ कि हमारा एसी काम नहीं कर रहा है, वो आके ठीक क्यों नहीं करते? दानी, मैंने फोन किया था, उनका आदमी भी आया, उसने एसी खोला, चेक किया, वो कहता जी कोई खराबी नहीं। क्या बात करती हो तुम? अरे मैंने उसको लो पर लगाया हुआ है और कमरा यख हो रहा है। तो बताओ दानी, फिर मैं क्या करूं? तुम कहते हो मैं बंद कर देती हूँ, तुम कहते हो मैं खुला रहती हूँ, तुम जैसे कहो मैं वैसे ही कर देती हूँ। मानो जाओ, तुम खुदा के लिए सो जाओ। दानी, तुम ऐसे टेंस रहोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी, बताओ? भाई मैं टेंस नहीं हूं, मैं यख हो रहा हूं। दानी, तुम टेंस हो मेरी जान, तुम तमाम हफ्ता टेंस रहे हो। अच्छा देखो, अगर तुम्हारा यहां सोने को जी करता ना तो मैं यहां बिस्तर कर देती हूँ तुम्हारा, ठीक है? अरे यहां चैन से बैठा तो जाता नहीं, यहां बिस्तर कर देती हूँ। अरे तुम ये फजूल कुशन क्यों रख देती हो? यहां हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं फर्नीचर के ऊपर और आदमी चैन से बैठ नहीं सकता, क्या मुसीबत? अच्छा मैं उठाती हूँ कुशन। मानो मैं कह रहा हूं कि तुम जाओ, जा करके सो जाओ। सो जाऊंगी, सो जाऊंगी। भाई बाद में आकर सो जाऊंगा ना। देखो मुझे पता है कि कुशंस और एयर कंडीशनर तो महज एक बहाना है, बात कुछ और है दानी। देखो जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है प्लीज मुझे बता दो, क्या परेशानी है तुम्हें? कह तो रहा हूं कुछ नहीं है, बस थकन सी है। देखो दानी, अब नींद तो खुल ही चुकी है, तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चीज तंग कर रही है, तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? मुझे कुछ पता नहीं है क्या चीज है, या फिर हर चीज है। ये फ्लैट, ये बिल्डिंग, ये शहर, ये सब कुछ मुझे काटने को दौड़ रहा है। सुनो
सुबह के 2:30 बज रहे हैं और एक कार ड्राइव करके क्लिफ्टन हाइट्स में दाखिल होती दिखाई दे रही है और उसकी आवाज यहां सुनाई दे रही है, यहां 14th फ्लोर। मैं समझता था यहां आराम होगा, सुकून होगा, मगर यहां तो सड़क का शोर सड़क से ज्यादा साफ सुनाई देता। मगर दानी, हमें यहां रहते हुए पूरे 6 साल हो गए, पहले तो कभी तुम्हें इन चीजों ने परेशान नहीं किया। शायद इसलिए कि अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए आवाज और शोर के मामले में मैं हसास हो गया हूं। देखा, मैंने 10 सेकंड के लिए दरवाजा खोला और मेरे सारे कपड़े धूल में अटके। दानी, तुमसे किसने कहा है कि तुम दीवार के साथ कान लगा के सो, तुम आराम से अपने बेडरूम में सोया करो। बात करो, ये शो बात करो। दानी, खुदा का वास्ता है। दानी, दानी, फॉर गॉड सेक, दीवार पीटने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे अपने हाथ दुख जाएंगे। बानो बानो, खुदा का वास्ता है, तुम जाओ और जाकर के सो जाओ। दानी देखो, तुम्हें गुस्से के दौरे पड़े हो, मैं जाके सो जाऊं कैसे? अरे मुझे गुस्से के कोई दौरे नहीं पड़ रहे। मैं टेंस हूं। दानी, तुम ऐसा करो कि तुम एक ट्रैंक्विलाइजर ले लो। ले चुका हूं। तो फिर एक एक और ले लो। अरे एक और भी ले चुका हूं। दो ट्रैंक्विलाइजर्स लिए हैं तुमने, तो देखो दानी, फिर तो असर डेफिनेटली लाजमी होगा। सर, उनका असर खत्म हो चुका है। ट्रैंक्विलाइजर आदमी किस लिए लेता है? ताकि आसाब को सुकून नसीब हो। तुम देख रही हो मेरे आसाब किस तरह खिंचे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि उन गोलियों में कुछ होता नहीं है। ऊपर से वैन ट्रैंक्विलाइजर लिख के लगाने के 200 रुपए लेते। अरे कभी फ्लाइट लेके भी चली जाया करो बदमाश्तो, कभी लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस में भी किसी की नींद हराम करो। खुदा के लिए तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है। दानी, लिसन टू मी प्लीज। अरे हम जी किस तरह रहे हैं? हम यहाँ हजारों रुपए इस घटिया फ्लैट पर किस बात का खर्च कर रहे हैं, जब यहाँ सुकून नाम की कोई चीज नहीं। दानी, ओह दानी, देखो तुम बीमार हो जाओगे। दानी, ओह दानी, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बुझ सा गया है। तो मैं कोई शौक से तो मैं बिस्तर छूट के यहां पर नहीं आ गया था। किस बला की सरान है तौबा, ये लोग इस बला की गर्मी में यह कूड़ा बाहर क्यों फेंक देते हैं? ये उन जंक फूड की दुकानों के कूड़े हैं जो सड़क पर फेंक देते हैं, और कूड़ा गाड़ी इसलिए उठाने नहीं आती कि उनको वो पता नहीं देते। हर रात हजारों की तादाद में आके गाड़ियां खड़ी होती हैं और लोग बैठ के खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि दूसरे भूखे मरें। जाओ जाओ, भू सूंखो। नहीं, मुझे भू आ रही। जाओ, भू सूंखो। चलो, भू यहां से कहां से आएगी? भू के लिए वहां जाना पड़ता है, तब पता चलता है भू होती क्या है। बहुत बहुत ही गंदी बू है तो। लेकिन ये बू यहां से आ रही है, वहां से नहीं आ रही। दानी, अपने ही कूड़े के नीचे दफन होता जा रहा है। यह हर रोज ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होता चला जा रहा है,
और तुम देख लेना कि आखिर में ये सब कुछ सारा कूड़े का ढेर हो जाएगा। तो दानी मुझे ये बताओ कि फिर लोग कूड़े का क्या करें? क्या वो अपने घर में जमा रखें गर्मियों में ताकि सर्दियां हैं तो फिर उसको बाहर उठा के फेंकें? फिर कूड़ा फेंकने के लिए होता है दानी, वरना कूड़ा क्या हुआ? बानो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दानी, I'm human. तुम्हारी तरह मैं इंसान हूं दानी। मुझे सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, शोर सुनाई देता है, बदबू आती है। अब इन सब चीजों के साथ रहना है तो रहो, वरना मत रहो। अगर इंसान हो तो तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओ, बल्कि हाथ उठाओ। मैं तो इस सरांग के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर ये कुत्ता भौंकेगा तो मैं इस पर चिल्लाऊंगा। करो कुत्ते। दानी, दानी प्लीज चुप हो जाओ, खुदा के लिए दानी चुप हो जाओ प्लीज। अब तुम सारी रात अगर कुत्ते के ऊपर चिल्लाते रहे तो मैं कैसे सो पाऊंगा? सारे रात ही अगर ये कुत्ता भौंकता रहा तो तुम सो जाओगी, नींद आ जाएगी तुम्हें। चुप करो अपने कुत्ते को, यहाँ इंसान सो रहे हैं। तुम मेरे ऊपर से क्यों चिल्ला रहे हो? अगर इतनी तकलीफ है तो जाओ नीचे, जाओ मिलकर के उस कुत्ते के साथ भौंको, अच्छे लगोगे। दानी प्लीज चुप हो जाओ, खुदा की दानी चुप हो जाओ। I beg of you, चुप हो जाओ दानी प्लीज चुप हो जाओ। खबरदार तो मुझे तुमने चुप होने को कहा। पता नहीं तुम्हारे पर क्या सवार हो गया, लेकिन मैं दूसरों का गुस्सा तुम्हें अपने ऊपर उतार नहीं दूंगी। दानी मैं सोने जा रही हूं। बानो, बानो रुक जाओ, बानो रुक जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। यहां हो, यहां मेरे साथ बैठो, यहां हो। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मेरा दिमाग शल हो रहा है, मेरा दिमाग शल हो रहा है। मेरा तुम्हें क्या हो गया? हम दानी, हम ऐसा ना करें कि हम हफ्ते दो हफ्ते के लिए कहीं बाहर चले जाएं? ये कैक्टस का पौधा भी यहां दम तोड़ रहा है। दुनिया का सबसे सख्त जान पौधा जिसे सिर्फ दो मरतबा पानी की जरूरत होती है साल में, जिस शहर में कैक्टस जिंदा नहीं रह सकता उसमें इंसान कैसे जिंदा रह सकते? इंसान जो टैंकर से पानी खरीद के पीता है, जिसने पानी को तिजारत बना दिया है। और तुम देख लेना एक रोज ऐसा आएगा पानी, वो खौफनाक दिन जब मैयत को गुस्ल देने के लिए भी यहाँ पानी नहीं। अच्छा एक बताओ फिर क्या सलाह है? ऐसा करते हैं कि तुम अपने दफ्तर से दो हफ्ते के लिए छुट्टी ले लो और हम कहीं बाहर चले जाते। छुट्टी तो ले लूंगा, मेरा डर है कि कहीं हमेशा के लिए छुट्टी ना हो जाए। क्यों? कंपनी तुम्हारी अभी तक ठीक ठाक चल रही तो फिर क्या परेशानी है? अब कोई बंदा देर से नहीं आता दफ्तर, सब वक्त पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर वो वक्त पर ना पहुंचे तो उनकी मेज ऑक्शन हॉल में पहुंच जाएगी। अच्छा तो तुम नौकरी की वजह से परेशान? ओहो, देखो दानी, रिस्क देने वाला अल्लाह है। एक दरवाजा बंद होता है 10 दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हें कहीं और नौकरी मिल जाएगी? कहां से मिल जाएगी नौकरी? मेरी उम्र की आधी उम्र के दो लड़के उनको
اسی تنخواہ پہ مل جائیں گے. اچھا چلو مان لیا کہ تمہاری نوکری چھوٹ جاتی, ٹھیک ہے نا, تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے. اپنا ملک چھوڑ کے؟ دانی بنانے والے نے صرف ایک یہی ملک تھوڑی بنایا, پوری دنیا بنائی ہے اس نے. تو ہم انگلینڈ جا سکتے ہیں. ہاں وہاں ان کو اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے, ہمیں کہاں سے کھلائیں گے؟ ان کے ملک میں ہمارے ملک سے زیادہ بے روزگاری ہے. تو ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے. نہیں کہاں چلے جائیں گے, کون سا ملک ہے جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ لیبیا, بیروت, ایران, عراق, راشن کے کھانے, بے روزگاری کے اڈے. وہاں صرف ایک کام رہ گیا ہے لوگوں کے پاس, کرسیوں کی مرمت, کیونکہ سارا سارا دن کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. دیکھو دانی میری بات سنو, تم جہاں جس ملک کا نام لوگے نا یا جہاں بھی کہو گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بالکل باولی ہو چکی ہوں. یہ سب کچھ تو میں تمہاری خوشی کی خاطر کہہ رہی تھی. میں تو کسی چیز کی ذمہ دار نہیں, میں نے تمہیں اس حال پہ تو نہیں پہنچایا. تو میں نے تم سے کب کہا بانو کہ تم نے مجھے اس حال میں پہنچایا؟ پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو دانی, یا کسی سے بھی تم کیا چاہتے ہو؟ فقط ایک لمحہ سانس لینے کی مہلت. یہ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ دفتر سے تو نہیں ہو سکتا. رات کے پونے تین بجے دفتر تو بند ہوگا. ہو سکتا ہے چوکی دار کی ڈیوٹی لگا دی ہو, فون پر بتا دو کہ چھٹی ہو گئی ہے, ایک دن کی تنخواہ لگ جائے گی نا ان کی. دانی دانی پلیز جا کے فون سن لو, الجھن ہو رہی خدا کے لیے. ہیلو جی جی ہاں جی ہاں, یہ 16A ہے. کیا ہے؟ میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے؟ اچھا اچھا, پہلے آپ یہ بتائیے کہ ہماری نیند کس نے خراب کی؟ اور جا جاؤ, میری مرضی ہے جتنا اونچا بولوں, میرا فلیٹ ہے. ہاں جی میں مسز دانش جی. ہاں جی دیکھیے میرے گھر ڈاکہ پڑ گیا ہے جی جی جی. ابھی جیسے میں گھر میں داخل ہوئی تو جی جیسے میں داخل ہوئی دیکھو وہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے. جی ہاں جی, دروازہ جی کھلا ہوا تھا دروازہ جی, وہ چند منٹ پہلے ہی نکل کے گئے ہوں گے جی جی. اگر میں چند منٹ پہلے آتی ہو آ جاتی تو میری تو یہاں لاش پڑی ہوتی. آپ کمال کی باتیں کرتے جی. دیکھیے مجھے ٹھیک سے پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ لے کے گئے ہیں, ٹی وی, وی سی آر, ریکارڈ پلیئر, کتابیں, کپڑے. میرے شوہر کی تو الماری پوری خالی کر دی سی جی. فلیٹ 16A جی. دیکھیے پلیز آپ ذرا جلدی کسی کو یہاں بھیج دیجیے جی. نہیں جی میں بالکل اکیلی ہوں یہاں پر جی. نہیں میرے شوہر ابھی نہیں لوٹے ہیں دفتر سے, میں آپ کو بتا تو نہیں ہوں کہ ابھی وہ نہیں لوٹے ہیں دفتر سے جی. دیکھیے
बस जी, मेरी जान बच गई इसलिए कि मैं यहां पर मौजूद नहीं थी, वरना तो ट्रैंक्विलाइजर लेना चाहिए। दानी, तुम आ गए? बानो, क्या बात? सफाई वाली नहीं आया आज? आज जुमा है, वो जुबे को नहीं आती। तो ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? हाँ? ये तमाम चीजें इस तरह से बिखरी हुई क्यों? चोरी हो गई। चोरी हो गई है? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? चोरी समझ में नहीं आता? चोर घर में आते हैं, घुस जाते हैं घर में, चीजें उठा के ले जाते हैं, घर लुट गया है मेरा। ओहो भाई, मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा था, ये सब कैसे हुआ? क्या कह ले? पता नहीं, मैं तो 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी, जब वापस आई हूं तो ये नक्शा पाया मैंने। तुम 5 मिनट के लिए तो नीचे नहीं गई होगी? ये सब कुछ 5 मिनट का काम तो नहीं है। मैं बक रही हूं, बकवास कर रही हूं। मैं कह रही हूँ, मैं 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी। इसका मतलब है कराची में जितने चोर उचक्के लुच्चे लपाड़े बसते हैं, वो सब के सब इकट्ठे ही यहाँ आ गए होंगे। कोई भी हो, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी। एक बात बताओ, तुम जब बिल्डिंग में वापिस आई हो तो तुम्हें कोई मशकूक या मुश्तबा आदमी तो नजर नहीं आया? मुझे तो इस बिल्डिंग का हर आदमी मशकूक नजर आता है। ओहो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने किसी को गठरियां, डब्बे या कोई इस किस्म की चीजें उठा करके ले जाते हुए तो नहीं देखा? मैंने गौर नहीं किया। गौर नहीं किया का क्या मतलब है? अब इस बिल्डिंग से जो भी आदमी नीचे जाए या नीचे उतरे तो मैं उसको ये देखूं कि वो डिब्बा जो लेके जा रहा है, हमारा कलर टीवी तो नहीं लेके जा रहा? क्या वो कलर टेलीविजन भी चला गया? ब्राइट 25 इंचेस का कलर टेलीविजन। अरे खुदा के लिए देखो, प्लीज मुझसे बहस मत करो, मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी, मेरा घर लुट गया है। अरे अरे, तो मैं यहाँ क्या हूँ? किरायादार हूँ। तुम्हारा घर लुटा है तो मेरा भी घर लुटा है। मेरे को प्लीज खुदा के लिए चीखो चिल्लाओ मत, अगर तुम अपसेट हो तो मैं भी बहुत अपसेट हूँ, मत चीखो मेरे ऊपर। मैं ऐसे करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं एक ट्रैंक्विलाइजर लाता हूँ, ठीक है? नहीं, मैंने नहीं खा ली। नहीं, गोली खा लो ना। मैं नहीं खाऊंगी, कह दिया। ये एकदम से तुम्हें जिद क्यों हो जाती है? जिद नहीं है, ट्रैंक्विलाइजर भी ले गए वो। ट्रैंक्विलाइजर भी ले गए? ओ गॉड इन हेवन। दवाओं की पूरी
پوری کیبنٹ خالی کر گئے. ڈسپرنس، ایسپرنس، ماؤتھ واش، ہیئر اسپرے، ریزرز، بلیڈ، ہیئر اسپرے، سب چیزیں لے گئے. صرف ایک تمہارا ٹوتھ برش چھوڑ گئے. میں نہیں مانتا کہ چور یہ کرے گا. گاڈ، انہیں موت آ جائے. جس چوری کی گاڑی میں بیٹھ کے گئے وہ کسی پل سے ٹکرا جائے، اس میں آگ لگ جائے، سب چل کے مر جائے. تم روز اخبار میں پڑھتے تھے اور بھول جاتے تھے، آج تمہارے ساتھ ہوا تو احساس ہوا تمہیں؟ وی سی آر، ٹیلی ویژن، ہائی فائی، اس کی حد تک تو میں مانتا ہوں کہ چلو ٹھیک، یہ ریزر بلیڈ، ٹوتھ پیسٹ، ہیئر اسپرے، ہیئر کریم، اور ان کے کتنے پیسے مل جائیں گے ان کو؟ بہت ہی بے صبرے لوگ ہوں گے، جتنا کچھ اٹھ سکتا تھا سب ہی کچھ اٹھا کے لے گئے. پورے 130 روپے میں نے گھر کے خرچے میں سے بچا کے رکھے، وہ تک لے گئے. وہ کہاں رکھے تھے؟ کتاب میں رکھے تھے. یہ رکھنے کی جگہ تھی؟ کیا بات کرتے ہو تم؟ تم نے کبھی سنا کہ کوئی ماؤتھ واش اور ہیئر اسپرے چرا کے لے کے جا رہا ہو؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ذہنی مریض ہوتے ہیں. اور آج دنیا میں صرف ذہنی مریض زندہ ہے. بس کوئی بات جان، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ارے تم زندہ سلامت ہو، یہ کم ہے، یہی بہت ہے ہمارے لیے. دانی، اگر میں 5 منٹ پہلے آ جاتی تو میں کیا کرتی؟ تمہاری قسمت اچھی تھی بانو کہ تم اس وقت یہاں موجود نہیں تھی. نہیں، تم مان لو کہ اگر میں 5 منٹ پہلے آتی تو میں کیا کرتی؟ مگر تم اس وقت یہاں تھی تو نہیں نا، کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ میں کہہ تو رہی ہوں کہ تم فرض کرو کہ اگر میں آ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو تم اس قسم کا فضول سوالات کیوں کر رہی ہو؟ ارے بھائی تم، ایسا ہوا تو نہیں نا. اگر 5 منٹ پہلے میں آ جاتی تو ایسا ہو چکا ہوتا. میں نہیں مانتا کہ تم صرف 5 منٹ کے لیے گئی. یہ سارا سامان اٹھا کر کے یہاں لانے کے لیے ہمیں 5 مزدور انگیج کرنے پڑے تھے. میں کیسے مان لوں کہ سب کچھ وہ 5 منٹ کے اندر سمیٹ کے لے گئے؟ 7 منٹ لگے ہوں گے، 8 منٹ لگ گئے ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دروازے کا لاک بھی ٹھیک ہے. وہ آئے کیسے؟ کہاں سے؟ گھستے کیسے یہاں؟ کہیں سڑک پہ سے چابی مل گئی ہوگی. کیا بات کر رہی ہو؟ چابی مل گئی ہو؟ چابی تمہارے پاس نہیں تھی؟ وہ گم ہو گئی تھی. پہلے تو میں سمجھی کہ یہی کہیں گھر میں گر گئی ہے، پھر خیال آیا کہ شاید سڑک پہ کہیں گر گئی. جب تمہارے پاس چابی نہیں تھی تو تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تم بلڈنگ میں واپس کیسے آؤ گی؟ دروازہ میں کھلا چھوڑ گئی. دروازہ کھلا چھوڑ گئی؟ پھر اور میں کیا کرتی؟ چابی میرے پاس نہیں تھی، میں گھر میں واپس کیسے آتی اندر؟ اس لیے تم دروازہ کھلا چھوڑ گئی. ایک ایسے شہر میں جہاں جرائم کا ریکارڈ سب سے زیادہ ہے، وہاں تم دروازہ کھلا چھوڑ دو. دانی، تو پھر اور میں کیا کرتی؟ سارا فرنیچر اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے جاتی؟ بتاؤ، اب مجھے کیا پتا تھا اس کے وہ میں جاؤں گی صرف 5 منٹ کے واسطے اور وہ لوگ فوراً آ جائیں گے یہاں پہ. انہیں خبر ہوتی، انہیں پتا ہوتا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں 5 منٹ کے واسطے جاؤں گی اور وہ فوراً آ جائیں گے. ٹھیک، میں نے ایک
جوا کھیلا تھا ہار گئی. ارے یہ کیسا جوا تھا باقی, ارے یہ کیسا جوا تھا جو تم ہار گئی اور وہ سب اٹھا کے لے گئے. دانی وہ شاپنگ بھی تو کرنی تھی نا, اس لیے رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. تم نے اسٹور والے کو فون کر کے اوپر کیوں نہیں منگوا لیا؟ آخر پہلے بھی تو وہ لڑکا اوپر پہنچا کے جایا کرتا تھا. اب میں سستے والے اسٹور سے خریدتی ہوں, وہ نہیں اوپر پہنچا کے جاتا ہے. اس وقت تمہاری باتوں سے میں اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ میں نے سوچا کہ اب میں ہر چیز میں جو ہے بچت کروں. یہ کیا کر رہی ہوں؟ چیزیں سمیٹ رہی ہوں. اور کیا کر رہی ہوں؟ یہ تو پتا کیسے چلے گا کیا چیز کم ہے کیا چیز کم نہیں. کیوں تمہیں نظر نہیں آتا کہ کیا چیز کم ہے اور کیا چیز کم نہیں ہے؟ کیا چیز کم ہے؟ چلو تم بتاؤ کیا چیز کم ہے. ارے کیا پوچھ رہا ہوں, کیا چیز کم ہے؟ ارے کیا چیز کم ہے؟ خود جا کے دیکھ. میرے سوٹ کہاں ہے؟ وہ صبح تو یہی تھے, اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ لے گئے ہوں گے. سات سوٹ, دو بلیزر, ایک اسپورٹس جیکٹ, نو پتلون, اسکارف, ٹائز, سب کچھ. اگر اتنے تھے تو پھر اتنے ہی لے گئے. شکر ہے میں اپنا تھری پیس سوٹ نیچے لانڈری والوں کے پاس استری کے لیے چھوڑ آیا تھا. وہ لڑکا آیا تھا استری والا, وہ صبح ہی دے گیا. حرام خورو چورو کتو لٹیرو. دانی کچھ سوٹ ہی تو تھے, ان کا اتنا خواب کیا کرنا, یہ تم نہیں خرید لینا. کہاں سے خرید لوں گا, پیسے کہاں سے آئیں گے, میری نوکری چھوٹ گئی. نہیں مجھے نوکری سے جواب مل گیا, صرف مجھے نہیں میرے ساتھ اور بھی نو ایگزیکٹوز کو, ہم سب ساتھ ہی ایلیویٹر سے اترے تھے. دانی آئی ایم سو سوری. دانی تم پر کیا گزری ہوگی, انہیں بھی آج ہی کے دن تمہیں چھٹی دینی تھی. کمبخت, ایک تو نوکری گئی, گھر آئے تو چور سارا کچھ لوٹ کے لے گئے. کتنا منحوس دن تھا آج دانی, I'm so sorry. چھٹی آج کے دن نہیں ہوئی ہے, چھٹی تو پیر کے دن ہی ہو گئی تھی. پیر سے چار دن سے تم نے مجھ سے چھپائی رکھی یہ بات. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں تم کو کس طرح بتاؤں, ہمت نہیں ہوتی. سوچتا تھا شاید کوئی حادثہ ہو جائے, کہیں اور نوکری کا بندوبست ہو جائے, لیکن جب انسان کی عمر 47 کی ہو جاتی ہے تو پھر موت سے منہ موڑ لیتا. دانی مگر پیر سے لے کر اب تک تم مطلب کیا کرتے تھے, وقت کیسے گزرتا تھا تمہارا؟ صبح گھر سے نکل کے چند لوگوں کو فون کرتا تھا کہ شاید کہیں کوئی نوکری کا بندوبست ہو جائے. صبح گھر سے نکل کے چند لوگوں کو
فون کرتا تھا کہ شاید کہیں کوئی نوکری کا بندوبست ہو جائے, لیکن تمہیں معلوم ہے جب انسان کا کام پڑتا ہے کسی سے تو صبح 10 بجے ہی فون پہ جواب ملتا ہے کہ صاحب لنچ پہ گئے ہوئے, اس کے بعد بلا مقصد آوارہ گردی کرتا تھا, کبھی پارک کے بینچ پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا, کبھی کسی لائبریری میں جا کے کتاب کھول کے بیٹھ جاتا تھا, کبھی کسی آرٹ گیلری میں چلا جاتا تھا, کبھی کسی پینٹنگ کی ایگزیبیشن پہ. اس طرح وقت گزار لیتا تھا. تم گھر چلے آتے؟ گھر آ کے کیا کرتا میں؟ میں تمہارے واسطے اچھا سا لنچ بنا دیا کرتی دانی. میں ٹھیک ہو جاؤں گا, معلوم ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تم فکر نہ کرو, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. مجھے پتہ ہے میں مجھے کوئی اور نوکری مل جائے گی. ہاں تمہیں بہت اچھی نوکری ملے گی, مجھے پتا ہے. بعد میں تمہیں پتا ہے, ایک روز وہاں پارک میں بیٹھے بیٹھے مجھے ایک بڑا اچھا آئیڈیا آیا. کیا؟ میں نے سوچا کہ اس شہر سے ہم کہیں دور چلے جائیں اور وہاں جا کے بہت ہی دور کسی دور دادا دیہات میں جا کے کوئی اپنا چھوٹا سا لائف اسٹاک فارم بنا لیں. It's a wonderful idea. شہر سے دور نا, بیوٹیفل لائف اسٹاک فارم. دانی ابھی چند دن پہلے میں نے اخبار میں کہیں پڑھا تھا, ضلع خوشاب کوئی جگہ ہے, ضلع خوشاب میں کوئی لائف اسٹاک فارم فور سیل ہے. میں اس کی تمہیں اخبار میں سے کٹنگ لا کے دیتی ہوں, ٹھیک ہے؟ تم اس میں بیٹھو, اس کو پڑھو, سوچو, اور میں جب تک تمہارے واسطے کافی بنا کے لاتی ہوں. کیوں کافی چھوڑ دی انہوں نے؟ کافی نکلے گئے, کافی سے رغبت نہیں ہوگی. دانی چور جو ہوتے نا وہ باورچی خانے میں نہیں جاتے. ارے تو پیسے بھی باورچی خانے میں ہی چھپا دیتی ہیں. میری جان تو پیسوں کی بالکل فکر مت کرو, تو پتہ ہے میں نے کچھ جوڑ کے رکھے ہوئے, کچھ بات ہم بہت آرام سے گزارا کر سکتے. کب تک گزارا کریں گے بانو؟ ہر روز کا خرچ ایک پیسے کی آمدن نہیں. نہیں نہیں بانو, ہمیں اس بکواس زندگی سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے دانا, ہم چلے جائیں گے یہاں سے. اوہو, نکلنے کا مطلب اس گھر سے نہیں ہے, شہر سے نہیں ہے, اس بکواس زندگی سے نکلنا ہے, یہ جھوٹی عمارت سے. جم خانے کی ممبر شپ, فلاں کلب کی ممبر شپ, فلاں کلب کی ممبر شپ, یہ ہم ہر مہینے 8-10 ہزار روپے جو ان پر پھونکتے ہیں, ان کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. یہ تمام یہ سب انٹرنیشنل میگزینز, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ کیوں پھینکیں؟ کیوں پھینکیں؟ یہ سب رد کا پھیر ہیں, یہ سب جنہیں ہم خرید خرید کے ہر ماہ اپنے گھر میں جمع کرتے رہے, کیا فائدہ ہے بتاؤ؟ کوئی فائدہ نہیں, میں کہہ رہی ہوں کوئی فائدہ. 10 روپے کا کھانا جو آدمی گھر بیٹھ کے کھا سکتا ہے, ہم جا کے 50 روپے کا وہی کھانا ریپنگ میں خرید کے کسی ٹیک اوے سے لاتے ہیں. ہم نے گھر میں آسائش کی چیزیں جمع کر رکھی ہیں جن سے ہمیں کوئی آسائش نہیں ملتی, کتابیں جمع کر رکھی ہیں جو ہم پڑھتے ہی نہیں, کیسٹوں کا ذخیرہ بنا رکھا جو ہم بمشکل سن سکتے ہیں, کمکس, نوولٹیز, یہ سب بکواس, سب دھوکا, سب فریب. ہاں دانی, اب ہم کچھ بھی نہیں لائیں گے, ہم کچھ نہیں خریدیں گے, ہم کچھ نہیں لائیں گے دانی, ٹھیک ہے؟ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال ان کی جھولی میں ڈال دیے, اور انہوں نے مجھے کیا دیا؟ ایک لات رسید کر کے پار کر دیا. ارے ہمیں تو ان کو چاہیے تھا کہ بہن باجی کے ساتھ رخصت. تم اپنا جینا خراب کرو پلیز, تم بیمار ہو جاؤ گے دانی. اب تمہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کون سا میوزک
सुनने के लिए रह गया। वाह वाह, दीवार के उस पार, अब हमारे पास ये म्यूजिक सुनने को रह गया। 25 साल की मेहनत के बाद हमारे पास सुनने के लिए। दानी क्या हुआ, तुम्हारे दर्द हो रहा सीने में? हाँ, मेरा सीना दुख रहा है। दानी अगर ये हार्ट अटैक नहीं है। तुम्हें कैसे पता है कि ये हार्ट अटैक नहीं है? जब हार्ट अटैक नहीं है तो मैं क्या कहूँ? तुम्हारा सीना क्यों दुख रहा है? मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे दिमाग की जैसे फट रही है और मेरे पास ट्रैंक्विलाइजर भी उन्होंने नहीं छोड़ी। आराम हो बच्चे सो रहे हैं। तुम मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरा तो सब कुछ लूट गया, हमारा सब कुछ लूट के ले गए, खाली कर गए घर को, सिर्फ एक स्लीपर और तहमत छोड़ गए। भैया बच्चे पे आराम हो रहा है, बकवास की जा रहा, तुम नशे में हो क्या? बच्चे पे आराम हो रहा है तो उनके मुंह पे तकिया डालो। तानी खुदा की प्लीज यहाँ से तुम भी बाहर कर दो। तो किसी की इज्जत नहीं है। अरे कौन सी इज्जत, किसकी इज्जत, कौन है किसकी इज्जत बाकी रह गई है? कौन है वो? दानी मैं आ गई। तुम्हें तो बहुत सख्त भूख लगी होगी ना? मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे वास्ते खाना अभी तैयार करके मेज पे लगा देती हूँ। देखो सालन मैं तैयार करके गई थी और रोटियां तुम्हें साथ लेकर आई, सिर्फ 5 मिनट लगे, ठीक है? मैं तो दानी पूरे पौने एक बजे दफ्तर से निकल पड़ी थी। 15 मिनट तो लग गए मैं क्लाउड रूम। इतना रश होता है उस सड़क के ऊपर लंच ब्रेक में, तुम्हें क्या है? और फिर बस का इंतजार, उफ तौबा। और हमारे बॉस जिलानी साहब ने कहा है कि भाई आपने पूरे 2 बजे वापस आना है। उफ तौबा। वो तो दानी ये भी कह रहे थे कि आपको शायद वो जुमा और हफ्ता भी आपकी जरूरत पड़े कि नहीं भाई, ये जो जुमा और हफ्ता है ना, अब ये मैं शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। ठीक है, मतलब कुछ पैसे तो बन जाएंगे, लेकिन मैं जुमा और हफ्ता में दानी देखो मैं अपना वहां नहीं खराब करूं। देखो ना दानी, हम यूं भी कितनी देर इकट्ठे मिल बैठते हैं। दानी प्लीज तुम आके मेरे पास बैठो ना, जब तक मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं वापस जाने में। डेस्क जॉब सिर्फ कहने का नाम है, सारा दिन तो इस कमरे से उस कमरे भागते गुजर जाते हैं। और आजकल काम का रश भी बहुत ज्यादा है। हाँ मैं तुम्हारे वास्ते जूस लेकर आई हूँ, ये देखो ये लो। ठंड सी पड़ गई दानी। पता है सुबह से ये पहला घूंट है जो हलक से उतरा है, वरना तो चाय पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती। उफ़ अल्लाह, बहुत रश है काम का। उफ़ तो मैं तो थक जाती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। ये शायद पिछले 20 साल से ये एनर्जी अंदर ही अंदर जमा हो रही थी। खैर एक दफा मैं बोलना शुरू कर दूं दानी, फिर तो मैं रुकने का नाम नहीं लेती।
अब मैं नहीं बोलूंगी और तुम मुझसे बात करो, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? अच्छा मेरा ख्याल है तुम्हारा बात करने को दिल नहीं चाह। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुमने आज सारा दिन क्या किया? चहल कदमी। सच? कहाँ? बेडरूम से यहाँ। बस? फिर बेडरूम से यहाँ और फिर यहाँ से बेडरूम वापस। और सुनो, सुनोगी? नहीं मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा बात करने को दिल नहीं चाह रहा तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरा तो मूड है बात करने का। तीन मरतबा वहां बालकनी पर गया, वहां से ट्रैफिक को देखता रहा, फिर वहां से बेडरूम वापस आया और वहां रेडियो खोल के खबरें सुनता रहा। आज बड़ा मसरूफ दिन गुजरा है मेरा। दानी, मुझे मुझे पता है कि तुम सारा दिन घर में अकेले रहते हो, बोर हो जाते हो। कल हम ऐसा करेंगे कि हम चिड़ियाघर चलेंगे और लंच साथ लेके जाएंगे। मैं चिड़ियाघर नहीं जाऊंगा, महीने भर से हर रोज वहां जाता रहा हूं। अब तो बंदर भी एक दूसरे को मुझे देखते ही क्यों नहीं मारते हैं कि वो लो आ गया। मैं तो इसलिए कह रही थी कि थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और थोड़ी सी वर्जिश हो जाएगी। चलो खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ किसी का फोन आया था? तुम्हारी माँ का आया था। मैंने उनकी आवाज सुनते ही खट से बंद कर दिया। अच्छा और किसी का? मैं कोई आंसरिंग सर्विस नहीं हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाकायदगी के साथ फोन अटेंड करूं तो तुम बाकायदा मुझे उसकी तनख्वाह दो, मुझे तो काम की तलाश है। इसका मतलब है कि आज अखबार में कोई खास खबर नहीं थी। कौन सी खास खबर? आई थिंक यू अंडरस्टैंड, तुम्हें मालूम है मैं वांटेड कॉलम की बात कर रही हूँ। वो एक प्राइवेट क्लिनिक का हेड आया था आज, उनको कुछ नर्सेस की जरूरत है। अब मेरी मुसीबत यह है कि मैं इस काम के लिए फिजिकली अनफिट हूँ। दानी मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। मैं भी तुमको सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। दानी देखो मुझे पता है कि तुम बोर हो जाते हो, लेकिन आज तुम इस कदर झुंझलाए भी क्यों? आज, सिर्फ आज, और हफ्ते भर का कोई जिक्र नहीं कि जब मैं इस कमरे से उस कमरे में और उस कमरे से उस कमरे में अबाबिल की तरह चक्कर काटता रहा हूं। इस घर में जितनी किताबें जितने रिसाले थे उन सब के सफे चाट चुका हूं। कल मेरा प्रोग्राम है कि इस घर में जितने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के मैनुअल्स हैं उन सबको पढ़ के खत्म कर दूं। इसके बाद मेरी जिंदगी में कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। दानी मैं समझती हूँ कि मैं घर से बाहर होती हूँ, दफ्तर में तुम बोर हो जाते हो, लेकिन तुम बताओ कि मैं क्या करूँ? दानी मैं क्या करूँ? मैं 47 साल का हूँ और तुम दफ्तर से आकर मुझे यहाँ लंच खिलाती। दानी इसलिए कि लंच तुम्हें खिलाना मुझे अच्छा लगता है दफ्तर से आके, इसलिए। दानी मैं तो किसी को यहाँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस सारी बिल्डिंग में एक मैं हूँ और चौथे फ्लोर पर एक माजूर बच्ची जिसे लंच खिलाने के लिए आते। मुझे बिल्डिंग वालों की परवाह नहीं है। दानी मुझे तो परवाह है, वो तो समझते होंगे कि मेरा हाथ मुंह भी तुम धुलाती होगी। तुम्हें मुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ या फिर मैं कहीं बाहर जाकर खा सकता हूँ। मैं तो इस ख्याल से कह रही थी कि थोड़ी सी बचत हो जाएगी और बस। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है घर की, तुम्हें सर खपाने की जरूरत नहीं है। दफ्तर में तुम्हारे अपने प्रॉब्लम्स होंगे, अब तुम्हारा घर से क्या ताल्लुक? अब तो तुम दफ्तर की औरत हो, घर की औरत तो तुम नहीं हो। घर की जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरा मामला है। मगर दानिश
मेरी जॉब का हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है मैं नौकरी करूंगी। तो मैं बुरा तो नहीं मान रहा हूँ, तुमने तो मेरे इस बड़े कड़े वक्त में बड़ा साथ दिया है, तुमने घर का सारा खर्च संभाल रखा है, वरना मैं कहाँ से संभालता। फिर एतवार बाजार से मेरे लिए गिफ्ट्स लाती हो, कभी कुर्ते कभी सलवार, मैं कहाँ से लेता। दानी तुम चाहते हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं? तुम जिस वक्त कहोगे मैं नौकरी छोड़ दूं। तुम समझती हो मुझे नौकरी की तलाश नहीं, मैं तमाम दिन घर पे हाथ पे हाथ पे बैठा रहता हूँ, यही समझती हूँ। खुदा गवाह है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा दानी। मेरी उम्र के आदमी के लिए अब यहाँ काम नहीं है। ये देखो अखबार, ये देखो, मैंने सारा अखबार छान मारा, कहीं काम नहीं है। वैसे ये अखबार मैंने सामने वाले फ्लैट के दरवाजे के नीचे से खींच लाया, कैसा है? दानिश खुदा के लिए बस करो, अब हम इस मौजूद में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं साथ वाले फ्लैट से मुंह अंधेरे सुबह को दूध की पतीली भी उठा के ला सकता हूँ, कानों कान खबर नहीं होगी। हाँ खुदा के लिए बस करो, मुझ में हौसला नहीं रहा, मजाक बंद करो। अरे भाई मैं तो घर के खराजात में तुम्हारा हाथ बटाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ना आखिर कुछ मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। दानी मैं तुम्हारा लंच लगा रही हूँ, तुमने खाना है तो प्लीज खा लेना, और मेरा वादा है कि मैं दफ्तर से लंच तुम्हारे वास्ते लगाने नहीं आऊंगी, ठीक है? तुम्हें जरूरत भी क्या है, तुम तो किसी अच्छे से चाइनीज में अपने बॉस जिलानी साहब के साथ मेज के नीचे जूतियां उतार के बड़ा उमदा लंच खा सकती हो। मैं बड़ा उमदा लंच अपने बॉस के साथ जूतियां उतार के किसी रेस्टोरेंट में नहीं करती। तो फिर अपने किसी यंग कलीग के साथ स्टेक खाती होगी, मुझे पता है कि इन दफ्तरों में क्या होता है, तभी मैं भी उनकी तरह यंग बॉय। लेकिन मैं यंग लड़की नहीं हूँ। तो फिर तुम शाम के 7 बजे घर की वापसी हो, जब सारे दफ्तर के काम 5 बजे बंद हो जाते हैं। मेरा काम 5 बजे के बाद शुरू होता है। हाँ, जिमखाने के लॉन के किसी तारीख गोशे में दानिश बिलकरामी, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा है। I'm sorry, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा है। जब मैं 7 बजे घर लौटता था तो तुम्हें बड़ी आसानी से यकीन आ जाता था। दानी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी जिंदगी किसी सिनेमा स्क्रीन के ऊपर उल्टी चल रही हो, टोटली उल्टी चल रही हो। अरे शायद इसलिए मुझे काम नहीं मिलता कि मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। अगर मेरे पास भी ये मस्कारा, ये लिपस्टिक, ये अटायर, ये आउटफिट होता तो मुझे भी मिनटों सेकंडों में नौकरी मिल सकती थी। मैं तुम्हारा खाना रख के जा रही हूँ, तुमने खाना है तो खाओ वरना मत खाओ, ठीक है? बाय बाय, टाटा, थैंक यू जानी। देखिए दफ्तर से जल्दी लौट आइएगा और प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा। अरे हाँ सुनिए, घर के सौदे के लिए थोड़े से पैसे छोड़ जाइएगा। चीयरियो, बाय बाय। दानिश मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। कैसा मशवरा? तुम या तो अपने आप को संभालो या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से मिलो जो तुम्हारे उलझनों को तुमसे बातें करके दूर कर सके, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। क्योंकि मेरे अंदर अब हौसला नहीं रहा है मिस्टर दानिश बिलकरामी, एंड दैट इज इट। तुम समझती हो कि ये सब कुछ मेरे ज़हन की पैदावार है? तुम्हें कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, हैं? चुप। क्या हो रहा है? तुम समझती हो कि ये बात इत्तेफाक की बात है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, या ये एक मुकद्दर की बात है? दानिश ये सिर्फ वक्त की बात है, हम एक कठिन वक्त से गुजर रहे हैं और बस। बानो मैं साजिश की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, एक बहुत गहरी चाल। साजिश? खुदाया कैसी साजिश, कौन सी साजिश, कैसी चाल, कौन सी साजिश? मैं बता रहा हूं तुमको, इस मुल्क में एक बहुत बड़ी गहरी साजिश चल रही है। किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ।
تمہارے خلاف؟ میری ذات کے خلاف نہیں، اگرچہ میں بھی اس کا ایک نشانہ ہوں. وہ سٹیٹس کو مٹا دینا چاہتے، وہ سسٹم کو بدل دینا چاہتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ مجھے اکیلے کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ سب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تمہاری بہنوں کے پیچھے، بیٹیوں کے پیچھے، عزیزوں کے پیچھے، تمام اساتذہ کے پیچھے، اسکولوں کے پیچھے، تعلیم کے پیچھے، نیوکلیئر کمپلیکسز کے پیچھے، تحریک نسواں کے پیچھے. یہ ہیں جو ان کا نشانہ ہے. تم نے تو سبھی کے نام گنوا دی، تمہیں باقی کون رہ گیا؟ بابو کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں. اچھا، اگر تم کہتے ہو تو پھر رہ گئے ہوں گے. مجھے پتا ہے کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں. میرے کان 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور تمام اطلاعات آتی ہیں مجھے. دانی یہاں آؤ، دیکھو یہاں بیٹھو، صرف ایک منٹ کے لیے یہاں میرے پاس بیٹھو. دیکھو تمہیں پتہ نا کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، مجھے تم پر کتنا بھروسہ ہے، اور ہمیشہ سے رہا ہے دانی، ہمیشہ رہا ہے. میں تم سے نا ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن اس بات کا نا کوئی غلط رنگ میں مت لینا اس بات. تم سمجھتی ہو میں پیرانوئیڈ ہو گیا ہوں؟ نوکری چھوٹ جانے کی وجہ سے میرا دماغی توازن بگڑ گیا ہے. یہ سمجھتی کہ ایک سازش ہے بانو؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ سازش. کیسی سازش؟ کون ہے اس سازش کے پیچھے؟ انسانی نسل. یہ انسانی نسل ہے جو اس کی ذمہ دار ہے. انسان کے جذبوں کی زبوحالی، انسان نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے. وہ ہر لمحہ ہر آن اپنے آپ کو مٹانے پر تلا ہوا ہے. انسانی نسل، انسانی نسل اس کے کس بے روزگار کی ذمہ دار ہے؟ کیوں تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ میں سمجھتی تھی کوئی اور ہے اس کے پیچھے، کسی اور کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے. تم سے تو بات ہی کرنا بیکار ہے، تم نہیں سمجھ سکو گی، تم نہیں سمجھ سکو گی بانو، کیونکہ تم اس کیفیت سے گزری نہیں. تمہیں اندازہ نہیں ہے جس کیفیت سے میں گزرا ہوں. تم اس کیفیت سے نہیں گزری ہو کیونکہ تمہارے اوپر، تمہاری بالکنی میں کسی نے اوپر سے پانی کی بھری ہوئی بالٹی نہیں پھینکی ہے. میں اس کو بھولا نہیں ہوں، میں تجھے بھولا نہیں ہوں، اور کبھی نہیں. میں تجھے بھولا نہیں ہوں. خدا کی پلیز دیکھو، جھگڑا مت کرو، پلیز یہاں بیٹھ جاؤ، پلیز دانی ریلیکس، پلیز دانی. دیکھو جھگڑا، میری بات غور سے سنو. اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ہر قیمت پر، ٹھیک ہے نا؟ پتا کیا، سمجھتا میں اسے بھول گیا ہوں، میں اسے بھولا نہیں ہوں. سمجھتا میں اس کی شکل نہیں پہچانوں گا. میں ان کی شکلیں پہچانتا ہوں، سب کمینوں کی شکلیں ایک سی ہوتی ہیں، اور میں تجھے بھولا نہیں ہوں کمینے. دانی پتہ ہے کیا، مجھے کسی نے ڈاکٹر کے بارے میں بتایا، کہتے ہیں بہت قابل ڈاکٹر ہے، اور جس کیفیت سے تم اس وقت گزر رہے ہو نا، اس کا وہ پورا تجربہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا نمبر نکال کے لاتی ہوں، ابھی ڈھونڈتی ہوں، اور آج میں لنچ کے بعد واپس دفتر نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے، جیسے ہی مجھے ٹائم دے گا میں تمہیں آج ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی. ٹھیک ہے، میں نمبر لے کر آتی ہوں. بس میں تو اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا، میں تو اس کی تاک میں بیٹھا ہوا ہوں بانو. ایک دفعہ میرے ہاتھ آ جائے وہ، پھر تم دیکھنا سارا بدن چھلنی ہو جائے. ارے تیری تو شناخت بھی نہیں ہو سکے گی. نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، ان کا بس چلے تم سے تمہارے کپڑے تک گزروا لیں. ہاں یہ تم سے ایک ایک چیز چھین لیں بانو، تمہارا ٹرینکولائزر، تمہارا ٹیلی ویژن سیٹ، تمہارا وی سی آر، تمہاری جولری، تمہاری نوکری، ایک ایک چیز. ایک چیز بانو نہیں چھین سکتے، وہ ہے یہ ذہنی اسلحہ. یہ ہے تمہارا ذہن جس کو نہیں چھین سکتے. یہ ہے میرا خفیہ اسلحہ، میرا ذہن. ہاں نمبر بھی مل گیا. یہ میں بتا دوں، یہ تو وہ اثر ہے جو ایک ہی بار میں لٹا کے رکھ دیتا ہے. ہاں
ये मजाक नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ हटो वहाँ से, गिर जाओगे। हटो वहाँ से, हटो वहाँ से, इधर आओ, इधर आओ, हटो, यहाँ खड़े हो। हेलो हेलो डॉक्टर यजदानी जी, मैं बहाना बोल रही हूँ जी। आई एम सॉरी, मैं मिसेज दानिश बात कर रही हूँ जी। नहीं आई एम सॉरी जी, एक इमरजेंसी आ गई है जी। इट्स माय हस्बैंड जी, मैं क्या करूँ मेरे जी। प्लीज मुझे आपसे टाइम चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अपनी ज्ञान तक नहीं आ सकता कभी, नहीं, क्योंकि मैं तेरे सामने से तेरी मौत बन करके मोटरसाइकिल पर एक बुलेट को एक फ्रेम करता हुआ निकल जाऊंगा। माफ कीजिएगा, मैं जरा डॉक्टर से टेलीफोन पे बात कर रही थी। दानिश बस अभी आते ही होंगे। कैसी तबीयत है दानिश की, डॉक्टर क्या कहता है? जी भी कुछ वसूख से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दानिश बिल्कुल बुझ से गए हैं। उन्हें अपना बिल्कुल होश नहीं रहा है, घंटों कुर्सी पे बैठे रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, सबसे लाताल्लुक से हो गए। खैर अभी वो आएंगे तो आप मिल लीजिएगा, लेकिन पहले वाले दानिश वो बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल बदल से गए। तो ये नर्वस ब्रेकडाउन है क्या? अरे भाई हमसे क्या पर्दा, आफ्टर ऑल वी आर वन फैमिली, एक खानदान ही तो है। जी हाँ, आप इसको नर्वस ब्रेकडाउन ही समझ लीजिए। तो डॉक्टर की तजवीज क्या है? वो कहता है कि मुकम्मल आराम और इलाज से दानिश ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। वक्त कितना वक्त लगेगा? महीना, दो महीना या दो महीने से भी ज्यादा? जी महीना भी लग सकता है, दो महीने भी, और दो साल भी लग सकते हैं। नहीं नहीं, दो साल तो नहीं लगने चाहिए। ऐसा है बानो के, अच्छा तुम बैठो। ऐसा है बानो के, दानिश की तरफ से हम सब, यानी मैं और हमारी तीनों बहनें, हम सब बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत ज्यादा। आखिर वो हमारा भाई है और हमें मालूम है कि तुम उसकी बीवी हो, और तुमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा तुम उसके लिए जरूर करोगी, लेकिन शायद ये काफी ना हो। तो ऐसे आड़े वक्त में हम सब ने ये फैसला किया है कि तुम्हारी मदद करें। हमने आपस में तय कर लिया है सब कुछ, और ट्रीटमेंट के जितने भी अखराजात हैं वो हम अदा करेंगे। तुम बेशक घर के अखराजात संभाल लो, लेकिन इलाज की तरफ से फिक्र ना करना, वो चाहे जितना भी हो, ख्वाह कितना हो, हम अदा करेंगे। ख्वाह कितना ही क्यों ना हो, आप यकीन कीजिए कि आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ढारस सी हुई है। मतलब नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारे ख्याल में उसके इलाज पर खर्च कितना बढ़ जाएगा। देखिए कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि जितना लंबा इलाज चलेगा उतनी ही लंबी रकम भी लगेगी। भाई ये रकम का मसला तुम्हारा नहीं, हमारा है। देखिए अब इसमें हो सकता है कि 2-4 लाख भी खर्च हो जाए। भाई अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि खर्च कितना बैठता है,
बहनों का जितना शेयर बनता है वो जितना दे सकती हैं वो दे देंगी, बाकी की जितनी कमी है वो मैं अपने पास से पूरी कर दूंगा, चाहे वो लाख हो, दो लाख हो या दस लाख हो, व्हाटएवर। बस दानिश के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतें मुहैया होनी चाहिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। I'm really touched. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको मतलब कैसे बताऊं कि मैं नहीं नहीं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई, हमारा तो ये फर्ज है, हमें पूरा करने दो। मैं जानती हूँ कि पिछले कई सालों से हमें मिलने मिलाने का ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन अंदाजा है मुझे इस बात का। पिछले 9 साल से आज पूरे 9 साल के बाद हम इस तरह से इकट्ठे बैठे हैं। इतने साल हो गए, शायद इसमें मेरी गलती हो कि मैंने आप लोगों को समझने की कोशिश ना की हो, या फिर शायद आप लोगों की गलती हो कि आप लोगों ने मुझे ना समझा हो। लेकिन आप लोगों ने जितना हमारे लिए महसूस किया है उसके लिए मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत इज्जत है। लेकिन आप सच जानिए कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। देखिए, हमने पिछले कुछ सालों में कुछ जोड़ जमा कर रखा है, और फिर मेरी जॉब है, मेरे जेवरात हैं जो मैं बेच सकती हूँ। ना ना, तुम्हें जेवरात बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर दानिश की अपनी बीमा पॉलिसी है जो वो कैश करवा सकते हैं। अगर आप लोग कुछ मेरा मतलब है करना ही चाहते हैं तो इसके और भी तरीके हैं। मैं दरअसल दानिश के मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद हूं, मुझे बहुत फिक्र है उसके बारे में। हम सबको है बानो, किसको नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दानिश यहां से दूर, मेरा मतलब है कि शहर से दूर किसी दूर दराज देहात में जाकर कोई अपना सिलसिला वगैरह शुरू कर ले, तो वहां पर ज्यादा सुकून और इत्मीनान नहीं होगा क्या? हाँ, why not? यकीनन होगा, यकीनन। हमने दरअसल एक लाइव स्टॉक फार्म की स्कीम सोची थी। That's very good. It's an excellent idea. ये तो बहुत अच्छी बात है। और इत्तफाक से एक लाइव स्टॉक फार्म जिला खुशाब में काबिल फरोख्त भी है। That's great. That's great. अगर वो फार्म हम लोग खरीद लेते हैं तो अगली सर्दियों में वहां चले जाएंगे। Wonderful. बहुत अच्छा ख्याल है ये। उस फार्म के लिए वो लोग 25 लाख कैश मांगते हैं। अगर आप वो रकम में बतौर कर्ज लाइव स्टॉक फार्म के लिए दे दें, क्योंकि इलाज के लिए तो मेरे पास पैसे हैं, तो आप वो रकम जो हमें कर्ज देंगे तो आमदनी जो होगी लाइव स्टॉक फार्म से, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो आपको कर्जा जो है वो लौटाते रहेंगे। लाइव स्टॉक फार्म, 25 लाख रुपए, और उसे चलाएगा कौन? एक नर्वस ब्रेकडाउन का मरीज? मैं तो समझी थी आप उसकी मदद करना चाहते हैं दानी की। आप उसको इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं, क्या फार्म के लिए नहीं दे सकते? देंगे, जरूर करेंगे उसकी मदद, लेकिन जब वो बीमार नहीं होगा तब, जब वो तंदुरुस्त होगा हम जरूर करेंगे। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप इलाज के लिए पैसे दे दीजिए, मैं अपना जमा जत्था जो फार्म पे लगा दूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि हम
دانش کا علاج کروا کے اس کو صحت مند بنائیں اور آپ اپنا پیسہ لگا کر فارم میں نقصان کر دیں اور ایک دفعہ سے پھر دانش بیمار پڑ جائے اور تم دوڑی ہوئی آؤ ہمارے پاس کے ایک ڈاکٹر کی اور ضرورت ہے. اگر آپ اس کے علاج کے لیے پیسے دینے کو تیار تھے تو فارم کے لیے آپ نہیں دے سکتے. تو چلیے خیر, بھول جائیے یہ بات. بہت بہت شکریہ. ویسے میں حیران بہت ہوں اس بات پر کہ آپ نے حامی بھر کیسے لی. خیر, ویسے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب دانی دوبارہ صحت یاب ہو کر واپس آئیں گے تو آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے, کیونکہ اس وقت ہمیں آپ کی بہت محتاجی ہوگی. معافی چاہتی ہوں, مجھے دفتر واپس جانا ہے. ایکسکیوز می, اگر آئندہ 9 سال تک دوبارہ ہماری ملاقات نہ ہو تو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. ہیلپ یور سیلف. خدا حافظ. ایسی حالت میں وہ شخص لائف اسٹاک فارم چلائے گا. ابھی جمعرات کو میں نے اسے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے ٹھیک طرح سے ہیلو نہیں نکل رہا تھا. لائف اسٹاک فارم, 25 لاکھ روپے. تو دانش کے ساتھ ہی بات ہوگی, اس کے ساتھ میں کچھ تو عقل کی بات کر سکتا ہوں. اسے تو صرف نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے, لیکن اس عورت کے ساتھ کیا عقل کی بات کی جا سکتی ہے؟ یہ تو پاگل ہے. دانش, تم نے مجھے پہچانا, میں کون ہوں؟ عارف, میں اپنے سگے بھائی کو نہیں پہچانوں گا. کیسی بات کرتے ہو؟ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی. میں یہاں بیٹھ جاؤں. بیٹھ جاؤ. عارف, کوئی بری خبر؟ کیا کسی کو خاندان میں ہو گیا؟ نہیں, سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تم بیٹھو, تم بیٹھ جاؤ. مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے دانش. بولو. دانش, کیا بات یہ ہے کہ, خیر کچھ نہیں, میں بس ایسے ہی ملنے کو جی کر رہا تھا, میں آ گیا. اچھا کیا, مگر تم یہ بیمار سے کیوں لگتے ہو؟ اتنی محنت مت کیا, نہیں پیسوں کی خاطر تم بہت محنت کرتے ہو. ایسا محنت کیا کب؟ پیسہ تو انسان کو بد شکل بنا دیتا ہے. تمہاری شکل پیسوں کی طرح بدسورت ہوتی جا رہی ہے. نو, ایسا مت کیا کرو عارف. تم ٹھیک کہتے ہو. ہاں, تمہیں پتا ہے عارف, میں نے ڈاکٹر سے 3 باتیں سیکھی ہیں. ایک, کہ دماغ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دو, کسی چیز کو دل کا
आजार मत बनाओ और बालकनी पे जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी है। हेलो, देखिए मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ 16A फ्लैट से। यहाँ पानी नहीं है, एक बूंद पानी की नहीं है। मैं आपसे यर्स कर रही हूँ, सुपरवाइजर कहाँ है? बिल्डिंग सुपरवाइजर की बात कर रही हूँ। तो अगर वो पाइप की मरम्मत कर रहा है तो उसको बिल्डिंग में होना चाहिए। जी नहीं, मैंने लिफ्ट में कोई नोटिस नहीं पढ़ा है। जी, और हाँ, किचन में लाइट भी नहीं है। जी नहीं, सिर्फ किचन में नहीं है। क्या आपका मतलब है कि मैं 9 बजे तक या 10 बजे तक इंतजार में बैठी रहूं? कमाल करती हैं आप, सारा खाना फ्रिज में पड़ा खराब हो रहा है, आप कहती हैं कि मैं इंतजार में बैठी रहूं। देखिए, आपके शौहर जहां भी हैं उनको फौरन बुलाइए और यहां भेजिए उनको, यहां जी हां 16A में फौरन भेजिए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। घर में पानी नहीं है, पाइप ठीक हो रहा है, पता नहीं 7 बजे 9 बजे। और हाँ, किचन में मत जाना, वहां लाइट नहीं है, फ्रिज बंद पड़ा है। मैं अब उस बदबख्त डॉक्टर के पास आगे नहीं जा रहा हूं, एक नंबर का चोर है। तमाम वक्त बैठ करके टोबैको पाइप साफ करता रहता है, जब उससे बोर हो जाता है तो फिर मुझसे पूछता है मिस्टर दानिश टाइम क्या हुआ है। टाइम बताता तो कहता है आपका टाइम खत्म हो गया, जाइए नेक्स्ट वीक प्लीज। मैं तुमसे सच कह रहा हूं बानू, अगर मुझे जरा बहुत फर्क पड़ा है मेरी अपनी कोशिशों से पड़ा, वो तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। घंटे भर के 1000 रुपए ऐंठ लेता है, तुम इसलिए सारा सारा दिन अपनी जान खपाती हो कि उसकी फीस भरो? लानत, जिस तेजी से ये तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं अगर बिल्कुल ठीक हो गया तो तुमसे 5 साल बड़ा लगने की बजाय तुमसे 5 साल छोटा रहूं। तो मेरी फिक्र मत करो, जहां मैं काम कर रही थी वहां मेरे वास्ते काम बाकी नहीं रहा है। क्या छुट्टी होगी तुम्हारी? जब वो खुद नहीं रहे तो वो मुझे क्या रखेंगे? कंपनी दिवालिया हो गई, कारोबार बहुत बहुत ज्यादा फैला लिया था उन्होंने अपना, एक पार्टनर को तो शायद जेल की हवा भी खानी पड़ जाए। ओहो, कोई कंपनी एक दिन में तो दिवालिया नहीं हो जाती ना, तुम्हें पहले से कुछ तो खबर होगी कि ऐसा होने वाला है। मुझे कोई खबर नहीं थी, अगर थी भी तो मैं डर से सोचना नहीं चाहती थी। ये सब क्या हो रहा है दानी? क्या सारी दुनिया से रोजगार उठ रहा है? कोई बात नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। मुझे अपने मुल्क पे बहुत मान था दानी, मैं समझती थी कि अपना मुल्क है तो सब कुछ है, जब अपने मुल्क पे भरोसा ना हो तो फिर किस पर होगा? अपने ऊपर बानू, अपने ऊपर, हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा शहर एकदम सुकड़ के यूं रह जाएगा, यहां से कारोबार उठ जाएगा। बानू, तुम्हारी सिर्फ नौकरी गई है, खुदा ना खास्ता जिंदगी तो नहीं चली गई है? पता है दानिश, आज जब मैं घर आ रही थी ना तो मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल था कि जब मैं घर वापस आऊंगी ना
तो मैं खूब जी भर के नहाऊंगी, खूब अच्छी तरह गर्म पानी से मैं नहाऊंगी। जब मैं घर आई तो पता चला कि नौकरी तो चली गई, साथ पानी भी चला गया। आ जाएगा ना पानी, पानी भी हमेशा के लिए तो नहीं चला गया है ना। मुझे कहो, मुझे जाके कहो कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे। बानो बानो, पानी बंद है ना, अब देखो ये मेरे अख्तियार की बात तो नहीं है ना। जाओ जाके हथौड़ों से पाइप को पीटो, जाओ जाके कहो कि ऊपर एक लावारिस लाश एक आखिरी गुसल चाहती है, जाओ जाके मुझे कहो। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। बानो अकल से काम लो, अकल से काम लो बानो, कोई बात नहीं है। तुम्हारे कहने पर उस दिन मैंने दीवार पीटी थी मैंने दीवार, तुम मेरे कहने पर पाइप नहीं पीट सकते, जाओ जाके पाइप को पीटो, जाओ। प्लीज बानो, खुदा के लिए समझा करो बात को, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, ये तुम क्या क्यों कह रहे हो कि कोई बात नहीं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? I'm sorry, please, मुझे माफ कर दो। कोई बात, बैठो, कुछ सब रुक दो। ये बदबخت सुपरवाइजर होगा, ये सुपरवाइजर। मैं बात करता हूँ उससे, तुम ऐसा करो कि तुम जा करके बिस्तर पर लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बानो। मैं उससे बात कर लेता हूँ, जब देखो जब पानी आएगा ना तुम नहा लेना, पानी आ जाएगा। ठीक है, दैट्स अ गुड गर्ल। डैडी, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे तुम्हें छिड़क दिया, प्लीज मुझे माफ कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं उससे बात करता हूँ। चलो मालूम नहीं था कि तुम कराची आ गए। हाँ, मैं कुछ काम थे मुझे यहाँ। बैठो, तुमसे भी कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मानो नहीं है घर पर, वो जरा आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। मैं जानता हूं वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। नहीं आरिफ, ये बात नहीं है, थक गई है, वो दफ्तर से आके लेट गई। अरे छोड़ो, वो औरत मुझे पसंद नहीं करती ना। सही, ये कोई जरूरी है कि सभी पसंद करें? अलबत्ता तकलीफ जरूर होती है कि वो मेरे भाई की बीवी है। बहरहाल मुझे ज्यादा देर नहीं ठहरना यहां। ये लो, ये तुम्हारे और बानो के लिए एक हकीर सा तोहफा लाया हूं। ये क्या? ये चेक? अब तुम बड़े शौक से लाइव स्टॉक फार्म जाकर खरीद सकते हो। ये तो 25 लाख रुपए का चेक है। आजू इसमें मेरा और तीनों बहनों का बराबर का हिस्सा है। मैं कल फोन करके उन्हें बता दूंगा कि रकम पहुंच गई। मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो खैर मैं खुद भी नहीं हूं कि एक लाइव स्टॉक फार्म खरीदने की तुक क्या हो सकती है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी यही है तो चलो हमारी भी खुशी यही ठहरे।
عارف، بانو نے یہ پیسے تم سے کب مانگے؟ کیا فرق پڑتا ہے بھائی، بات ختم ہو گئی. ہم سب تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، سو ہم نے کر دیا. اب ہمارا دل مطمئن ہے. دیکھو عارف، نمبر ایک تمہارا بہت شکریہ، نمبر دو مجھے یہ نہیں چاہیے. اب تم بیکار کو مت الجھو مجھ سے اس طرح. پورا ڈیڑھ مہینہ صرف ہوا ہے میرا اس کا فیصلہ کرنے میں. عارف میں تم کو کس طرح سمجھاؤں؟ میں یہ رقم نہیں دے سکتا نا نفع. دیکھو دانش، اگر میں تمہیں کوئی خوشی دے سکتا ہوں تو تم مجھ سے یہ حق کیوں چھین رہے ہو؟ تم نے مجھے خوشی دے دی عارف، جب تم نے مجھے یہ چیک دیا مجھے خوشی مل گئی. اب اگر تم اس چیک کو پھاڑ کے میرے سامنے یہاں پر پھینک دو تو تم مجھے زیادہ خوشی دو گے. اگر کسی کو آس پاس پتا چل بھی جائے کہ تم اتنی بھاری رقم کا چیک لے کے پھر رہے ہو جیب میں، تم یہاں سے اپنی گاڑی تک نہیں پہنچ سکو گے، اغوا ہو جاؤ گے. یس تم باقی بہنوں کو تو کبھی نہ کرتے ہی نہیں ہو، ایک مجھ سے تمہیں چڑ کیوں ہے؟ ایک میں ہی سارے خاندان میں کالی بھیڑ کیوں ہوں؟ ان میں اور تم میں فرق ہے. وہ تین مالدار بیوا عورتیں ہیں، وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ کر کے صدقہ واری ہو کے خوش ہو جاتی ہوں. میں تو 13 سال کی عمر سے ہی روزگار کی تلاش میں نکل گیا تھا، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ میں سب کا چہیتا لاڈلا بن سکوں. اگر تم سب کے چہیتے اور لاڈلے بننا چاہتے ہو عارف مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تم کہو تو میں تینوں بہنوں کو بلا کے ان کے سامنے کہہ دوں کہ بھائی آج سے خاندان کا چہیتا اور لاڈلا میں نہیں ہوں، آج سے خاندان کا چہیتا اور لاڈلا عارف ہے. بس خوش ہو؟ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے بھائی، یہ تو ایک فطری بات ہے. جو بھائی گھر میں زیادہ ہوتا ہے وہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے، جو گھر میں نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. دیکھو عارف، مجھے اب بد اخلاقی نہ سمجھنا، لیکن بات سنو، بانو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گھر میں پانی بالکل بند ہے، کچن میں لائٹ بھی نہیں ہے، سارا فریج میں جو کھانا پڑا ہوا ہے وہ سب خراب ہو رہا ہے. بھائی میرے، میرے پاس اس وقت اس بحث میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ تم خاندان کے لاڈلے کیوں نہیں ہو، سمجھ رہے؟ کانوں کی لووں کو ہونٹوں میں دبا کے دانتوں سے کترنا شروع کروں تو کیسا رہے گا؟ خبردار، خبردار، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا. کم آن بیبی ٹرائی، ہائے بیبی، تم بالکل ٹھیک نہیں ہو. تم بالکل ٹرائی 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 ول گیو یو مائی لو تمہارا ڈاکٹر کچھ بھی کہتا رہے تم میں ذرہ بھر فرق نہیں آئے. کام میں سے پاگل آؤ، یو آر میڈ مین. کم آن بیبی. بانو، بانو، کیا بات ہے دانی؟ خیر تو ہے؟ تم نے عارف سے پیسے مانگے تھے لائیو اسٹاک فارم خریدنے کے لیے، 25 لاکھ روپے تم نے عارف سے مانگے تھے؟ میں نے کوئی نہیں مانگے تھے، انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ تمہارے علاج کے لیے دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا علاج کے واسطے میرے پاس پیسے ہیں،
अगर देना ही चाहते हैं तो लाइव स्टॉक फार्म के लिए दे दे। अरे तुम्हें पता नहीं कि अपने घर वालों से पैसे मांगना कितनी गिरी हुई बात है। तुमने मुझे जलील किया। पैसे तो मैंने मांगे थे, तुम कैसे जलील हो गए? जलील तो मैं हुई ना, तुम तो आराम से किसी पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। मैं आराम से पार्क में चहलकदमी नहीं कर रहा था, मैं तो गोलियों के खुमार में था। मैं नहीं था जो चहलकदमी कर रहा था, वो गोलियों का खुमार था, मैं तो शर था। मुझे क्या परवाह कि तुम क्या थे, आइंदा तुम जलील होना और मैं शर रहूंगी। क्या? अरे अरे तुम्हें पता तुम किससे बात कर रही हो? अरे तुम एक ऐसे आदमी से बात कर रही हो जिसको अभी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अरे तुमको एक बीमार आदमी का भी ख्याल नहीं रहा। इस वक्त तुम बीमार तो नहीं लग रहे हो? बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे हमेशा तुम लगते थे। अरे इस वक्त की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं गोलियों के असर में था। काश दानी इस वक्त भी तुम गोलियों के असर में, तुम्हारी ये चीखें तो नहीं मुझे सुननी पड़ती। ओ कमबख्तो बाबलो, ये चीखें चिल्लाना बंद करो। ये तुमने बाबलो कब किसको कहा है? तुमको तुम्हारे बाप ने शरार को कहा। अरे तेरा मियाँ मेरे मियाँ के आगे बेचता क्या है बदजुबान औरत? अच्छा हाँ, हम वो पानी भूले नहीं है, हमें याद है वो पानी। तेरा मियाँ घर आने वाला है, अगर तुमने बकवास बंद नहीं की तो मैं गुसल और देगा तुम्हें। अरे किस चीज से गुसल देगा? क्या पानी जुड़ता है? गुसल देगा बदजुबान औरत? क्या है? बुरी बात है बानो, पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करते शाबाश, बुरी बात है। चल जाओ बैठो। माफ करना जी, वो प्लीज आप मेरी बीवी की बातों का प्लीज बुरा ना बनाए। हम तो आपस में कुछ बातें कर रहे थे यहाँ अपने घर में, तो आप उसका बुरा तो ना बनाए ना, प्लीज प्लीज आई बेग यू। दानी इनको पानी कहां से मिल गया है? इनके पास हमेशा पानी होता है, ये पानी को जमा करके रखते हैं हम जैसे ऊपर फेंकने के लिए। दानी तुम्हें तो बहुत फर्क आ गया है दानी, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था, बस ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो। अब उतर गई है वो। तुम ठीक कहते हो दानी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, तुमने वाकई इस तजर्बे से गुजर कर बहुत कुछ सीख लिया है। तुम तो बहुत बुलंद हो दानी, तुम इन जैसे छोटे लोग कम नहीं हो, ये तो बहुत हकीर लोग हैं। तुम तो बहुत बुलंद हो, मुझे तुम पर बहुत नाज है दानी, बहुत नाज है। दानी पानी आ गया, पानी आ गया दानी। ओ, अब मैं जी भर के नहाऊंगी, जी भर के नहाऊंगी दानी। देखा दानी पानी आया तो लाइट चली गई, तुम वहीं बैठे रहना, मोमबत्ती ला दी, तो हटना मत वहां से, अंधेरा गिर जाओगे नहीं तो। अच्छा मैं मोमबत्ती तलाश कर रही हूं अभी। लो मिल गई मोमबत्ती।
दानिश, दानी, दानी, दानिश, thank you.